खरसो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजख जाहेंगे सतबाख रविदास। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी आज गुरु घर में मत्था टेकने के लिए पहुँचे। डेरा संत सरबंदास सचखंड बल्ला जालंधर पंजाब के गद्दी नसीन सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज के चरणों में मत्था टेक कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि आज हमारी रविदासिया कौम के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज एक रविदासिया कौम से पंजाब प्रांत का एक हमें मुख्यमंत्री मिला और पढ़ा लिखा हर तरह से समर्थ आज हमें मुख्यमंत्री मिला है, तो हमारी समाज के लिए यह बहुत ही एक गर्व की बात है। तो सबसे पहले तो मैं चरणजीत सिंह चन्नी और उनकी पूरी कैबिनेट को मुख्यमंत्री बनने पर उनको लख बधाई देता हूँ। और हम जो ना आशा भी करते हैं कि आगे चलकर भी ये मुख्यमंत्री के पद पर कंटिन्यू बने रहेंगे। जैसा कि आज मुख्यमंत्री महोदय हमारे डेरा सचखंड बल्ला में पहुँचे, तो जो उन्होंने आज परोपकारी कार्य किया कि कुछ ज़मीन के बारे में भी उन्होंने अनाउंस किया और सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया, तो ये एक छोटी बात नहीं है। जैसा कि हम पहले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि मायावती ने भी ये मायावती की एक बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उन्होंने भी पंजाब के अंदर कोई भी बहुजन समाज से या रविदासिया कौम से मुख्यमंत्री का चेहरा समाज के सामने नहीं लाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये हमारी समाज से रविदासिया कौम से मुख्यमंत्री बनाकर हमारी समाज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा परोपकार कार्य किया है। और हम कांग्रेस पार्टी के धन्यवादी हैं, सोनिया गांधी जी के धन्यवादी हैं, राहुल गांधी के धन्यवादी हैं। तो बड़े ही ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है समाज के लिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि डेरे में उन्होंने ज़मीन की तो बात की ही है, साथ ही साथ उन्होंने बच्चों वास्ते पढ़ाई के लिए एक एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए, एजुकेशन के लिए कॉलेज खोलने के लिए जो बात कही है चरणजीत सिंह चन्नी जी ने, तो ये भी एक हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि जो बच्चा एक एजुकेशन प्राप्त करेगा तो वो रविदासिया कौम की एक आन बान शान बनेगा और अपने माँ बाप का भी वो एक होनहार बच्चा बनेगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो गुरु प्रेमी या जो बच्चा आज एजुकेशन की तरफ चल रहा है, तो उसे फिर मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि भाई एजुकेट बनो, संघर्ष करो और अपने हकों के लिए लड़ो, तो वो साकार जो ना हो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारा समाज प्राप्त करेगा। तो इसके लिए भी आज हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो कॉलेज खोलने की जो बात कही है, वो भी रविदासिया कौम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम।